क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, रीड करते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर बताने हैं जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो। ओके, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, एड कर दीजिए 27 आ जाएगा। ओके, एंड देयर प्रोडक्ट 182। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना रहा आपका 182। एक्स 27 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 182, देयरफॉर 27x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 182, देयरफॉर एक्स स्क्वायर सबको लेफ्ट से राइट ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x विच इज प्लस 182 विच इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है इसको, फैक्टराइज करते हैं। 182 को हम फैक्टराइज करेंगे 2, 7, 13। ओके, पेयर बनाते हैं 14 एंड 13। इन दोनों को ऐड कर दें तो 27 आना चाहिए। माइनस की बात हो रही है तो माइनस के साइन लेंगे, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट से कॉमन लेते हैं x माइनस 14, सेकेंड पार्ट से माइनस 13 कॉमन लिया x माइनस 14 विच इज 0। पूरे पार्ट से कुछ कॉमन है x माइनस 14, एक्स माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 और 13। ओके, इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकंड नंबर भी 13 हो जाएगा। सिमिलरली इफ फर्स्ट नंबर बी 13 देन सेकंड नंबर बी 14। ओके, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस 1। ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना है 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर से किया, ए स्क्वायर ओपन किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 365, या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 विच इज इक्वल टू 0। जो ले आएंगे माइनस कर देंगे, x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गई। अब इसको हमको सॉल्व, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अगर सॉल्व किया था 13 और 14 आया था, फैक्टराइज करने के बाद यही पेयर आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर ऐड कर देंगे तो 1 बचना चाहिए, पॉजिटिव का है तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x विच इज 182 विच इज 0। कुछ कॉमन है x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 विच इज 0। ओके, देयरफॉर x प्लस 14x माइनस 13 विच इज 0, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 14 रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि बात हो रही थी पॉजिटिव इंटीजर की, x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 14 आ रही है, देन इसको हम टेक नहीं कर सकते, रिजेक्टेड हो गया। एंड सेकंड वैल्यू आई 13, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 13 मिल गया, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 13 प्लस 1 14, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, इसका एल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, लेट ये हुआ बेस देन एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर लेस हो गया, इट इज 13, फाइंड अदर टू साइड ए बी सी, ए बी एंड बी सी आपको फाइंड करना है। ओके, लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड बी एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपको ऑलरेडी गिवन है हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर, देन 30 होल स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, बी सी कितना है एक्स स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड से 169 को राइट साइड ले आते हैं, देन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 माइनस 169 विच इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। ओके, टू से डिवाइड कर देते हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर 60, 12 फाइव 60, 12 में से 5 को माइनस कर दिए 7 बचेगा, देन 12 एक्स को माइनस का साइन है तो बड़ी क्वांटिटी को पहले लिखेंगे 12 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0 समथिंग कॉमन x, तो x माइनस 12 बचता है प्लस के 5 कॉमन लिया x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 12 एंड x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस के 5 आ गया रिजेक्टेड, बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव में काउंट नहीं होती, लेंथ नेगेटिव में नहीं होती, देन इज रिजेक्टिव हो गया, देयरफॉर एंड x इज इक्वल टू 12, आपको 12 मिल गया तो बेस की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड भी कितना हो जाएगा 7 लेस था, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ओके, सिक्स क्वेश्चन, बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था वैसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके okay?